मैं मोतियाबिंद के बारे में मिथकों को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं आपका दोस्त आंख का डॉक्टर हूं। मोतियाबिंद की सर्जरी एक सरल प्रक्रिया है जिसमें मोतियाबिंद द्वारा प्रभावित आंख के लेंस को निकाला जाता है और फिर इसे एक कृत्रिम लेंस यानी IOL के साथ बदलकर आपकी दृष्टि को सुधारा जाता है। मोतियाबिंद के बारे में हमारे समाज में कई मिथक प्रचलित हैं जो कि भ्रामक हैं। मैं समझदारी के साथ निर्णय लेने में आपकी मदद करने के लिए मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आपको जानकारी दूंगा। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद स्नान करना या नहाना मना होता है, इसलिए गर्मियों में ये असुविधा पैदा करती है। आप गर्दन के नीचे से स्नान कर सकते हैं और पहले दिन से ही गीले कपड़े के साथ अपना चेहरा पोंछ सकते हैं। आपको बस ऑपरेशन वाली आंख में पानी के छींटे मारने या पानी छिड़कने से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में संक्रमण होने या इन्फेक्शन लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इस मौसम के दौरान सर्जरी नहीं करनी चाहिए। मोतियाबिंद को दूर करने की आधुनिक तकनीक और उपलब्ध दवाओं के साथ मोतियाबिंद की सर्जरी को किसी भी मौसम में करना सुरक्षित होता है। ऑपरेशन करने के लिए मोतियाबिंद को पूर्ण रूप से विकसित या परिपक्व होने देना चाहिए। सर्जरी के लिए उपलब्ध आधुनिक तकनीक के साथ मोतियाबिंद का किसी भी समय निदान किया जा सकता है और जब ये आपके रोज के कामकाज को प्रभावित करने लगता है तब इसे दूर किया जा सकता है। इसके परिपक्व होने की प्रतीक्षा करने से जटिलताएं हो सकती हैं। आंखों में डाले जाने वाली दवाई की बूंदें मोतियाबिंद को घुलाकर दृष्टि को ठीक कर सकती है और सर्जरी को टाला जा सकता है। वर्तमान में मोतियाबिंद के लिए सर्जरी ही एकमात्र प्रभावशाली उपचार है। मोतियाबिंद की सर्जरी से उबरने में कुछ सप्ताहों तक का समय लगता है, जिसके कारण मेरी रोज की दिनचर्या प्रभावित होगी। मोतियाबिंद की आधुनिक सर्जरी रोज की दिनचर्या पर कम से कम प्रभाव के साथ तेजी से दृष्टि को ठीक करती है, जिसके लिए सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आपको बस डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। दृष्टि का धुंधलापन बूढ़े होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसके लिए मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत नहीं है। जैसे ही मोतियाबिंद आपकी दृष्टि को प्रभावित करता है, तुरंत ही मोतियाबिंद को दूर करने की सलाह दी जाती है। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता है तो इसके कारण अंधापन या दृष्टि की गंभीर हानि हो सकती है। मोतियाबिंद की सर्जरी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी पहले से मौजूद बीमारियों वाले मरीजों के लिए जोखिम भरी होती है। ऑपरेशन करने से पहले आधुनिक योजना के साथ डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और ऑपरेशन के बाद दवा को समय पर लेने से मोतियाबिंद की सर्जरी उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले मरीजों में भी सुरक्षित ढंग से की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने मोतियाबिंद से संबंधित कुछ मिथकों को स्पष्ट किया है, जिसे आपको और आपके परिवार के सदस्यों को समझदारी के साथ निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कृपया अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों से संपर्क करें। आपके मोतियाबिंद को दूर करने के लिए बस सही जानकारी के साथ सही निर्णय करने की जरूरत है।